हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज हमारे साथ हैं सुशील बिश्नोई। एंड टुडे इज अ वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू ऑल दैट यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट एग्रीकल्चर स्टूडेंट दो क्वालिफाइड दिस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम विद द रैंक ऑफ 106। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंग्रेचुलेट सुशील बिश्नोई एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट सुशील बिश्नोई प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड एंड सजेस्ट एंड गिव सम मोटिवेशनल। Good afternoon to all. Myself Sushil Kumar from Agriculture Extension. I have graduated from Rajasthan Agriculture University, Bikaner, and MSc and PhD from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, from Agriculture Extension itself. तो आज आपके साथ मैं अपनी जर्नी है और अपनी स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो की यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर विपिन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और आपके साथ जो मेरी स्ट्रेटजी है वो शेयर करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कब की और किस तरह मैंने किन किन बिंदुओं पर फोकस किया और किस तरह तैयारी को आगे बढ़ाया और किस तरह सक्सेस को पाया। तो मैंने अपनी जो यूपीएससी की तैयारी है वो 2014-15 में शुरू की जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, क्योंकि एमएससी में आईआरई में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप व्यवस्थित ढंग से तैयारी कर सको, क्योंकि पीएचडी के एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो 2014 से मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू की। और सबसे पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आईआरई से अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मौका होता है कि आईआरई में उसको एडमिशन मिल सकता है। आप जेआरएफ में एक अच्छी रैंक लाते हैं तो अंडर 10 या 15 अगर रैंक लाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको आईआरई में एडमिशन मिलेगा और आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज, अच्छा मटेरियल, अच्छी गाइडेंस और अच्छा सीनियर्स का जो सानिध्य मिलेगा जिससे आप तैयारी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं बताता हूँ कि 2014 में मैंने हालांकि कोचिंग भी ली थी लेकिन इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, लेकिन एक साल मैंने कोचिंग भी ली थी। उसके बाद 15, 16, 17, 18 ये 4 अटेम्प्ट मैंने दिए। तो पहले 3 प्रयासों में मुझे फाइनल सफलता नहीं मिली, हालांकि मेंस दिया था 16 में, 17 में इंटरव्यू दिया और 18 में फाइनल लिस्ट में 106 रैंक के साथ में सेलेक्ट हुआ। तो अगर आप बिगिनर हो और तैयारी शुरू करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप शुरू कर सकते हैं और व्यवस्थित ढंग से आप इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बेसिक बुक्स है एंड एनसीईआरटी उनको फॉलो करें। 6th to 12th तक, मेनली 6th to 10th तक की एनसीईआरटी और 11th 12th की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप फॉलो करें। एंड उसके बाद बेसिक बुक्स है लक्ष्मीकांत की, इंडियन पॉलिटी के लिए मोर देन सफिशियंट है। एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। और ज्योग्राफी में 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड एक मैप एटलस जो भी ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट लॉन्गमैन ब्लैक स्वान किसी का भी ले सकते हैं आप। एंड उसके बाद जीसी लियोंग की बुक आती है, उसमें सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। और उसके बाद इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस है और थोड़ा गूगल से भी जो भी न्यूज़ आती है वो उससे रिलेटेड जो भी है वो थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं इन्वायरमेंट। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में सीसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं आप, और नितिन सिंघानिया की भी बुक ठीक है लेकिन सीसीईआरटी फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इग्नो का मटेरियल भी अच्छा है। और उसके बाद इकोनॉमी में न्यूज़पेपर को अच्छे से कीजिए, इकोनॉमी का जो पेज है वो। और बेसिक बुक में आप श्रीराम आईएएस का नोट्स फॉलो कर सकते हैं, हालांकि रमेश सिंह की भी बुक ठीक है लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया था तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तो श्रीराम आईएएस का अच्छा है मैटर। और एक कोई 11th की एनसीईआरटी है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक न्यूज़पेपर कोई इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, अगर द हिंदू में कंफर्टेबल नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए कोई
एक प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर सकते हैं, हालांकि ओनली IAS है जो मैंने फॉलो किया था, काफी अच्छा है, आप भी फॉलो करें तो न्यूज़पेपर एनालिसिस के और फिल्म बूस्टर के वीडियोस काफी अच्छे हैं उसके, एंड वन टेस्ट सीरीज कोई भी विजन की या किसी की भी GS स्कोर इनसाइट आपको जो कंफर्टेबल लगे जो अच्छी लगे आपको वो फॉलो कर सकते हैं आप, तो प्रीलिम्स के लिए इतना सफिशियंट रहेगा। उसके बाद अपना ऑप्शनल है एग्रीकल्चर, उसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ आपसे। तो ऑप्शनल एग्रीकल्चर में ये अपने मिथ है कि ऑप्शनल में सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते या फिर बड़ा है सिलेबस, ये कवर नहीं हो पाता, नोट्स अवेलेबल नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें। इस बार कितना नंबर था आपका? मेरे 311 नंबर आए हैं, अच्छे मार्क्स हैं कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट, अच्छे मार्क्स हैं, तो एग्रीकल्चर में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई किसी कोचिंग के नोट्स की जरूरत है अपने को, या फिर कोई कहीं मटेरियल है ऐसा कि वो अपने को अवेलेबल नहीं हो सकता, बेसिक बुक्स ही है जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन्हीं बुक्स को पढ़ के मेरा इतना स्कोर आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतना स्कोर या उससे अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो पेपर वन और पेपर टू बहुत इनकी मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेपर वन के लिए जैसे अपने सब्जेक्ट आते हैं उसमें एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी की रेड्डी की बुक है वो मोर देन सफिशियंट एग्रोनॉमी के लिए, उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, वीड साइंस, बेसिक एग्रोनॉमी है जो प्रिंसिपल्स एंड मेट्रोलॉजी एंड जो भी एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स के अलावा और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे फर्टिलिटी वगैरह वो भी कवर हो पाते हैं। और इसके बाद सोयल साइंस की बुक है DK दास की, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा आप, क्योंकि टेक्निकल पार्ट भी है उसमें, वो आप छोड़ दीजिएगा, जो भी सिलेबस में जो दिया हुआ है वो उन टॉपिक्स को आप उस बुक से पढ़िएगा। और एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन में GL रे की बुक है वो पढ़ लीजिएगा, सिंपल बुक है, इजी लैंग्वेज है। एंड इकोनॉमिक्स में VT राजू की एक बुक आती है, फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, वो सफिशियंट है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए अग्रवाल की बुक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, वो पढ़ सकते हैं आप, और उसमें से हो जाएगा लगभग कवर, दो चार टॉपिक ही है मार्केटिंग की, वो कवर हो जाएंगे उसमें से। और इन्वायरमेंट की आप शंकर IAS पढ़ते ही हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जो टॉपिक्स है दो चार टॉपिक्स ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट के, वो शंकर IAS से कवर हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पेपर वन, और पेपर वन के कुछ और जैसे एग्रोनॉमी के टॉपिक है तो वो आप कोई एक दो और बुक्स है एग्रोनॉमी की उससे कवर कर सकते हैं, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम के या फिर जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है क्रॉप्स के, तो वो कोई एग्रोनॉमी में उससे आप कवर कर सकते हैं। छिड्डा सिंह। एंड नाउ कम टू द पेपर्स, पेपर टू, इन पेपर टू थोड़ा बड़ा है अपने, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, तो इन सब की मैं सेपरेट बुक्स एंड जो भी मटेरियल है जो मैंने फॉलो किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप कुंदन सिंह है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि BD सिंह मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि BD सिंह थोड़ी टेक्निकल है और थोड़ी बड़ी भी है, तो कुंदन सिंह है वो UPSC के हिसाब से बहुत ही क्रिस्प एंड बहुत ही ईजी वे में लिखी हुई है, सिंपल है लैंग्वेज और शॉर्ट में लिखी हुई है, तो एज ए नोट्स फॉर्म में लिखी हुई है, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट नोट्स मेकिंग, कोई ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने की। एंड उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में आप VK जैन की बुक है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बुक अच्छी है और उसमें वही टॉपिक पढ़िए जो सिलेबस में है, बाकी कुछ और टॉपिक्स भी दे रखे हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, उनको नहीं ज़रूरत है पढ़ने की। और उसके बाद जैसे सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अग्रवाल की बुक है वो अच्छी है बुक, क्योंकि सीड साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे से कीजिएगा थोड़ी अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं, या फिर सीड साइंस की कोई और बुक भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा उसको भी। एंड और बाकी पुराने क्वेश्चंस है वो भी थोड़ा रेफर कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है,
तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़िएगा। उसके बाद एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी को आप इतना टाइम नहीं दीजिएगा जितना आप प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी को दे रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम एंड हर कोई वर्क होता है उसकी एक स्ट्रेटजी होती है 80-20 स्ट्रेटजी, क्योंकि वी शुड फोकस ऑन द थिंग्स विच आर आस्क्ड 80% एंड वी शुड गिव 80% टाइम फॉर दैट, बट वी कैन अवॉइड 20% बिकॉज समटाइम्स वो जो 20% भी नहीं पूछा जाता है। तो एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी का यही हाल है, तो इतना कम क्वेश्चन आते हैं और आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जो भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ें। तो मैं कोई ऐसी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा जिसमें, क्योंकि एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट एंड इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, मैंगो, बनाना, टोमेटो, पोटेटो, इन सब का देख लीजिएगा, बाकी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा है तो कुछ चीज़ों को स्किप करना ज़रूरी है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है, तो वो जीएस से आपका कवर हो जाएगा, और उसके अलावा आप करना चाहो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हैं, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी गाइडलाइंस है या फिर उसका मैनुअल है वो थोड़ा देख सकते हैं। और आई थिंक वन मोर थिंग इज हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, या फिर TNU के नोट्स है वो फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन स्पॉट्स पोस्ट हार्वेस्ट से पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जैसे मैंगो, बनाना, इनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है वो थोड़ा अच्छे से कीजिए, और फ्लावर्स है वो आजकल थोड़ा पूछ रहे हैं तो उनका भी थोड़ा 10-12 फ्लावर्स है वो थोड़ा देख लीजिएगा, रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, ये जो फ्लावर्स है 4-5 उनका थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। तो यही स्ट्रेटजी है एग्रीकल्चर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो बेसिक बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स है उनसे आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स अपना सब्जेक्ट है तो साइंटिफिक है तो नोट्स एकदम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंज होती रहती है चीज़ें, वैरायटी चेंज होती है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज भी चेंज होती है, तो जो पुराने नोट्स है वो उतने कारगर नहीं होते, तो टेक्स्ट बुक है वो अपडेट होती रहती है तो वो ज़्यादा प्रभावी होगी आई थिंक। तो मैंने जैसे फॉलो किया मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे इनको फॉलो करके। सो थैंक यू बिश्नोई एंड जी, एंड डेफिनेटली दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल द एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो यार वॉचिंग हियर। तो आप लोग भी करो, एंड कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं होती, आप भी कर सकते हो, आप जो कर रहे हो पहले यार को क्वालिफाई करो, अच्छी जगह से इंस्टीट्यूट में आओ जैसे इन्होंने बताया, और जो भी इन्होंने जैसे किया उस स्टेप को फॉलो करोगे डेफिनेटली वन डे यू विल बी ऑल्सो एट द सेम पोजिशन वेयर बिश्नोई जी इज राइट नाउ। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।